सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ी विहिदी दर्दनाक ताज़ा खबर सामने आ रही है। ये घटना इतनी भयानक है कि इसे देखकर लोगों की रूहें कांप जाती हैं। आपको लाइव लेकर आए हैं, आपको बताना चाहेंगे। अचानक ट्रेन के कोच में भीषण आग लग जाती है। जिस समय आग लगती है उस समय ट्रेन कोच में करीब 63 लोग मौजूद थे। इनमें से 59 लोग हैं जल जाते हैं और जिनमें से 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, बाकी सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। चलिए क्या पूरा मामला देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल ट्रेन के जिस कोच में आग लगी है वो एक प्राइवेट कोच था, यानी कि किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा बुक किया गया था। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, जिस ट्रेवल एजेंसी के कर्मचारी से बात की गई अंकुर ने बताया कि 17 अगस्त को सीतापुर से रामेश्वरम के लिए टूर गया था और इसमें 63 यात्री मौजूद थे और इनकी 30 अगस्त को वापसी भी थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, ये टूर जो रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु के लिए गया था, दरअसल सुबह का वक्त था। जानकारी के मुताबिक सभी यात्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर और अन्य जिलों से संबंधित थे। मदुरै कलेक्टर MS संगीता ने बताया कि सुबह कॉफ़ी बनाते समय स्टोव जलाया और तभी सिलेंडर में भयानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही पूरे कोच में अफरा तफरी मच जाती है, कुछ लोगों को बचा लिया जाता है लेकिन 69 लोग हैं झुलस जाते हैं, जिसमें से 9 लोग ज़्यादा झुलस जाते हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रेलवे के मुताबिक ये हादसा मदुरै यार्ड में खड़े कोच में उस वक्त होता है जब करीब सुबह के 5:15 हुए थे और यहाँ पर फायर टीम है कुछ ही मिनटों के बाद यानी कि आध घंटे बाद 5:45 पर पहुँचती है और 7:15 के आसपास आग को पूरी तरह बुझा लिया जाता है। लोगों को घायल लोगों को अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है लेकिन 9 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। मृतकों के परिवारों के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख रेलवे के द्वारा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा 3 लाख रुपए और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ में घायलों का उचित इलाज की व्यवस्था की गई है। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।